लालू के बड़े लाल फिलहाल एक्शन में हैं। कोरोना में जिस तरह से सरकारी अस्पतालों की स्थिति है उसको देखते हुए तेज प्रताप फिलहाल सरकार को किसी भी रूप में बकसने के मूड में नहीं है। कल तेज प्रताप ने जहां गर्दनीबाग अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया था और स्वास्थ्य की कुव्यवस्था पर सरकार पर हमला किया था, तो आज तेज प्रताप PMCH पहुँच गए। PMCH की अव्यवस्था को लेकर तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा, ये वही PMCH है जिसे वर्ल्ड क्लास बताते हैं अपने नीतीश कुमार और मंगल पांडे, लेकिन यहाँ का हाल देखिए कि किस तरह से स्थिति यहाँ बद से बदतर बनी हुई है। ना तो मरीजों को बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन मिल रहे हैं। खुद नीतीश कुमार और मंगल पांडे घरों में दुबके पड़े हैं और उनके मंत्री भी एसी कमरे में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तेज प्रताप ने साफ कहा कि जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, लोगों का भला नहीं होगा। बेड नंबर कितना है? 9 बेड नंबर 9 पसंद कुमार। कोविड पर दिन है, मेरा लाइट पैच है, नहीं पा सकते आप लोग थोड़ा स्पेस दीजिएगा ना, तो भैया बाकी लोग से मिल लेंगे, थोड़ा स्पेस दे दीजिए आप लोग। PMCH की स्थिति तो शुरू से खराब। अब जैसे मान लीजिए मरीज आए, उनके कोई फादर हैं, डेथ कर गए हैं, शरीर रखा हुआ अंदर में, दे नहीं रहा, तो पूरे तरीके से कोरोना का संक्रमण जो दिन पर दिन जो बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की नाकामियों की वजह से ये चीज़ हो रहा है। पूरे तरीके से ना ऑक्सीजन कहीं मिल पा रहा है, जिसका फैमिली रहता है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, जो गरीब गुरबा है वो ऑक्सीजन कहाँ से लाए, वो कहाँ से बेड लाए। तो पूरे तरीके से जो स्थिति है खराब है, बदतर स्थिति है। सर, 1.5 महीने से बेड बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक भी बेड नहीं है। वहाँ भी बेड नहीं है, बेड कहीं नहीं है, ऑक्सीजन का भी कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं है। सर, 1.5 महीने से कहा जा रहा है PMCH से कि बेड बढ़ाए जाएंगे, लेकिन बढ़ नहीं कहा जा रहा है जी। स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जी, वो कोरोना के डर से घर में ही लोग बैठे हुए हैं जी। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का हाल ये है, तो और अस्पतालों का हाल क्या होगा? बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल का यह हाल है। नीतीश कुमार जी का खास हॉस्पिटल है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है PMCH जी, और यहाँ की स्थिति को आप देख लीजिए, पूरे तरीके से आप लोग देख रहे हैं। अब जैसे मरीज अभी जैसे हमने वहाँ से एंट्री करने का काम किया, तो जब वहाँ से मेन गेट से हमने जब एंट्री करने का काम किया, तो मरीज जो है उनके जो परिजन है बाहर ऐसे लेटाए हुए हैं पूरे तरह से सब एक में। वहाँ जब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ये अस्पताल है PMCH, तो उसमें व्यवस्था होना चाहिए उस तरीके का, कोई व्यवस्था नहीं है। अब एक में सटेंगे, दूसरे में सटेंगे तो इन्फेक्शन और कोरोना। सरकारी अस्पतालों का यह हाल, प्राइवेट अस्पतालों में तो परिजन को मारा जा रहा है। तो प्राइवेट अस्पतालों में जो परिजनों को मारा जा रहा है, सर, सर, थोड़ा इधर देखिए। उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, लाइसेंस किए दिए, सबका लाइसेंस रद्द कर रहे हो जी। असल गए थे तो सुपरिटेंडेंट गायब थे, कल भी गए थे, ताला बंद थे, अरे पीपी किट भी सामने कचरा बना हुआ, पूरा फेंका हुआ, कचरा की स्थिति बनी हुई है, ऑक्सीजन वहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा, सबसे पहले बात की, वहाँ पे ऑक्सीजन था पड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन का भी व्यवस्था नहीं है वहाँ।
क्या लगता है कि सुधार कब तक होगा यहाँ पे अस्पतालों में? लगता कि ये सरकार से उधार नीरज कुमार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस आपदा की घड़ी में राजनीति कर रहे हैं, सरकारी संसाधनों पर कैसे राजद कोविड सेंटर खोला जा सकता है, ये आरोप ट्वीट के माध्यम से कल उन्होंने लगाया। तो मत खोलिए, कोई मत खोलिए कोविड सेंटर, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो खुद तो उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। मंत्री लोग बैठ जाते हैं घर में, दुबक जाते हैं, एसी चला करके आईपीएल मैच देखता है। यही आरोप तेजस्वी यादव से लगाया जा रहा है कि वो नहीं है। कहाँ नहीं, पिताजी बीमार हैं कि नहीं है, वहाँ पुत्र नहीं रहेगा, बोलिए तो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं हम लोग। आपने देखिए, अपने जाइए क्षेत्र में, निकलिए क्षेत्र में, कहाँ नहीं निकल रहा है लोग? क्या लग रहा है आपके निकलने के बाद सरकार जो है वो संज्ञान में आएगी, सरकार मतलब फुर्ती लाएगी अपने? हमारे निकलने के बाद सरकार संज्ञान में आए ना आए, लेकिन उनकी खामियां को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका स्थिति है। जो आप जो बोलते हैं जो आप बोलते हैं लगातार जो आप बैठक कर रहे हैं, उस बैठक से कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा, ना अस्पताल में किसी तरीके का कोई व्यवस्था ना।